टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 12 नवंबर को दिवाली के खास मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, जिसने सिनेमा घरों में 16 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमा घरों में 17वां दिन चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 17वां दिन चल रहा है। लेकिन खास बात तो यह है, टाइगर 3 के पास अब सिर्फ 3 से 4 दिन ही बचे हैं कमाई के, क्योंकि आने वाली 1 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, और एनिमल को लेकर फैंस बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ चल रही है और लग रहा है कि साल 2023 में अब तक जितने बड़े रिकॉर्ड बन चुके हैं वो रणबीर कपूर की एनिमल सारे तोड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर अभी तक जिस तरह से परफॉर्म कर रही है वो तो ठीक ठाक ही रहा और फिल्म के लिए अच्छा भी रहा। और यहाँ पे हम आपको बताते चले कि अभी टाइगर 3 किसी के बाप से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि टाइगर 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचा रही है वो देखने लायक और काबिले तारीफ है, क्योंकि फिल्म का 17वां दिन है। लेकिन फिल्म के कलेक्शन में अभी तक कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं टाइगर 3 फिल्म अपने पहले 16 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और साथ ही साथ बात करेंगे आज अपने 17वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है और फिल्म का 17 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा, फिल्म का बजट कितना था, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म टाइगर 3 की, तो अभी तक स्पाई यूनिवर्स में जितने भी पार्ट रिलीज हुए हैं उन सब पार्टों में सबसे कमजोर निकली है टाइगर 3 फिल्म कमाई के मामले में, क्योंकि इसकी एक और सबसे बड़ी वजह रही, फिल्म दिवाली के खास मौके पर रिलीज हुई, अच्छे टाइम पर रिलीज हुई थी, फिल्म को अच्छा वीकेंड मिला था। लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि वर्ल्ड कप के मौके पर रिलीज हुई थी, फाइनल मैच चल रहे थे और तभी टाइगर 3 की कमाई पर इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि शायद आप यकीन नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप की वजह से टाइगर 3 कम से कम 100 करोड़ रुपए पीछे चल रही है। लेकिन फिलहाल बात करें टाइगर 3 की, तो मनीष शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। फिल्म में सलमान खान, इमरान हाशमी, कैटरीना कैफ अहम किरदारों में थे, तो वही शाहरुख खान का स्पेशल कैमियो भी हमें फिल्म में देखने को मिला था। फिल्म का बजट 325 करोड़ रुपए टोटल था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट होने के लिए कम से कम 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई पूरे वर्ल्ड में करनी थी। लेकिन दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो टाइगर 3 फिल्म ने दिवाली के दिन 12 नवंबर को 44 करोड़ 50 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट कमाए थे। पूरे वर्ल्ड में फिल्म का कलेक्शन था 94 करोड़ रुपए का। लेकिन यहां पे फिल्म के साथ एक बहुत ही गलत बात हुई, यहां पे टाइगर 3 फिल्म को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया और यहां पे टाइगर 3 फिल्म बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा निगेटिविटी होने के बाद कोई फिल्म ज्यादा नहीं चल पाती है, लेकिन टाइगर 3 ये बॉक्स ऑफिस के सुल्तान सलमान खान की फिल्म थी। टाइगर 3 ने वो करके दिखाया जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट चल रही है। आपको हम बताते चले कि पहले दिन पूरे वर्ल्ड में 94 करोड़ कमाने के बाद फिल्म का जो दिवाली का वीकेंड था 3 दिनों का, उसमें फिल्म ने 148 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी। वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 240 करोड़ रुपए हो चुका था। उसके बाद 15 दिनों की जो टोटल कमाई थी फिल्म टाइगर 3 की, क्योंकि 15वें दिन फिल्म का तीसरा संडे था और 15वें दिन फिल्म ने कमाई की थी 6 करोड़ 75 लाख रुपए की अपने तीसरे संडे को। तो आप क्रेज देखिए, 15वां दिन था, फिल्म का तीसरा संडे था और फिल्म ने 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे, तो फिल्म की जो टोटल कमाई थी 272 करोड़ 45 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुका था। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 331 करोड़ रुपए हो चुका था और सीधे से फिल्म ने कमा लिए थे 116 करोड़ रुपए, और कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 447 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 15 दिनों में 447 करोड़ रुपए फिल्म टाइगर 3 ने कर लिए थे। 16वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 3 करोड़ रुपए का। और अब बात करें फिल्म के 17वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो ये फिल्म आज पूरे इंडिया से लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई करेगी और फिल्म का 17 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 277 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से नेट हो जाएगा। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 458 करोड़ रुपए कर रही है 17 दिनों में। तो यहां पे दोस्तों, हम यही कहेंगे कि सलमान खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है और अगर 10 से 12 करोड़ ये फिल्म कमा लेती है तो फिल्म पूरी तरह से क्लीन हिट कहला जाएगी, क्योंकि यहां पे जो लोग फ्लॉप बोल रहे थे उनकी तो पूरी तरह से फिल्म ने बोलती बंद कर दी है, क्योंकि टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने यह फिल्म देख ली है तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।